नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,457 की और निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से 181 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। और इसने जो हमारा ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस हमारा था 24,355 का, उसके ऊपर भी निकला और उसके ऊपर जाके क्लोज भी किया। तो मैंने ये बताया था कि अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्रॉस करते हैं तो हमारा 50 मिनट में रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 24,444, और उसके बाद जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है वो है 24,555 के ऊपर की क्लोजिंग। ये ध्यान रखिएगा, डेली चार्ट पे ये रेजिस्टेंस है 24,555, ये डेली चार्ट पे हमारे पास रेजिस्टेंस है और बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से हम लगभग 3 से 4 बार इस लेवल के पास जाके हम लोग घूम चुके हैं। तो यहाँ पे अब नज़र होगी, अब सबकी नज़र होगी कहाँ पे, 24,555 के ऊपर क्लोज करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्लोज किया है, जैसा कि मैंने कल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आप लोग को बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये होल्ड करेगा तो हमारा जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारा है डेली चार्ट पे, वहाँ तक का मूव यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा फिर नेक्स्ट मूव तैयार होगा, वो नेक्स्ट मूव होगा 25,222, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको इसी लेवल के आसपास निफ्टी में मिलेगा 25,222 के आसपास। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जैसा 25,000, 26,000, 24,000, ये अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जब भी राउंड फिगर वाला लेवल आए समझिएगा अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,222 का, अगर हम 24,555 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज करने में कामयाब रहे और अगले दिन उसके ऊपर हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया तब। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब ये लेवल को हमने निकाल दिया तो अब हमारे पास बेस्ट सपोर्ट लेवल क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया, अब बेस्ट सपोर्ट हमारे पास ये हो जाएगा जहाँ पे हमने 3 दिन ये कंसोलिडेट किया था। लगभग ये लेवल हमारे पास में है 24,135 के आसपास, तो ये मान के चलिएगा 24,122 अब हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया है, एक बेस बन गया है, क्योंकि पहले हम यहाँ पे 3-4 दिन हमने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद हम नीचे की साइड में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मतलब ये लेवल जो होगा वो हमारे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा, तो 24,122 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर होगा, जो ये रेड वाली कैंडल का लो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 23,850 से हम कंटिन्यू जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं 24,500 के आसपास। तो यहां पे थोड़ी सी नजर बना के रखिएगा, अगर एक आध दिन ये होल्ड कर दे, मतलब ये कल के सेशन में क्रॉस ना करके यहां पे होल्ड कर दे और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में क्रॉस करे, तो ये मूव जो होगा वो जबरदस्त मूव होगा। क्योंकि यहां पे क्या होगा, जिन लोगों ने यहां पे लिया होगा कुछ लोग यहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो मार्केट क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। जब मार्केट हल्का हो जाएगा तो जैसे यहां पे ब्रेकआउट होगा फिर से ये लोग, जिन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट बुक किया वो लोग वापस यहां पे एंट्री करेंगे और एंट्री करके फिर कहां पे मार्केट जा सकता है 25,222, जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो रहा कि 3 दिन हो सकता है ये कल ही ब्रेकआउट कर दे, लेकिन अगर एक दिन होल्ड करके ब्रेकआउट करे तो वो ब्रेकआउट बहुत जबरदस्त होगा और वहां पे आप जो मूव देखेंगे ना वो बड़ी बड़ी कैंडल का मूव देखेंगे। यहां पे क्या हो रहा, 3-4 दिन कंटिन्यू जाएगा तो कहीं ना कहीं एक दिन होल्ड करेगा, तो हो सकता है कि कल के सेशन में इस लेवल के आसपास कहीं पे ट्रेड करे, और अगर ब्रेक करता है, मान लीजिए कल के सेशन में अगर इसी जगह के आसपास, मान लीजिए 24,450 से लेकर 24,555 के बीच में, इसी रेंज के बीच में करीब करीब ये 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम निकाल दे और सेकंड हाफ में अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये मूव आप देखेंगे फास्ट होगा, क्योंकि फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नज़र बना के जरूर रखिएगा, इसके ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी को बहुत स्ट्रांग करेगी। और फिर मैं बोल रहा था ना कि इसके ऊपर फिर क्या होगा, इसके ऊपर बायर एक्टिव होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो जोन था, ये वाला जो जोन था ये न्यूट्रल जोन था, यहां पे बायर और सेलर दोनों लड़ रहे थे। इस लेवल के ऊपर निकलेगा, कभी भी जान दिए ध्यान रखिएगा, जब नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक करते हुए जा रहा तो कम से कम अपने वो 2 प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ट्रेड करने लगेगा ना तो वहां से क्या होता है, सेलर निकलने लगते हैं और बायर का इंटरेस्ट वहां पर एक्टिव हो जाता है। तो यहां पर समझ के रखिएगा, इसके ऊपर क्लोज करने के बाद बायर का इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन वो बायर लोग क्या करेंगे, उनके लिए सपोर्ट कहां वो मान के चलेंगे, वो सपोर्ट इस लेवल को मान के चलेंगे। तो यहां पर आप नजर बना के जरूर रखिएगा। आप चलिए हम 50 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कल निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों मैं बार बार आप लोग को बताता हूं कि अगर आपको मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मेरे नाम पे बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो आप उनसे दूर रहिए, बच के रहिए, वो सारे स्कैमर लोग हैं, तो वहां से बच के रहिए। हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कहीं पर भी अगर आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है किसी सर्विस के नाम पर, किसी ग्रुप के नाम पर, किसी ट्रेनिंग के नाम पर, तो वो स्कैमर है, वो फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई आपको कॉल, SMS,
कोई पैसे की हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई हमारा ग्रुप नहीं है, जो भी चीज़ें हैं यूट्यूब पर आपको फ्री में, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आपको फ्री में मिलती रहेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया, 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना 2 बजे मतलब 1:30 बजे के बाद से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज में निफ्टी ने टाइम बिताया है। इस रेंज में ये समझिएगा कि इस रेंज में ये वाला जो रेंज है यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ऊपर की साइड में जो ये है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने 355 का हमारे पास में 24,355 का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हम उसी लेवल के ऊपर कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड किया हमने और होल्ड भी किया है। तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए सपोर्ट है। अगर हम इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे इस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट हमें मिलेगा जो आज का लो है वो हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा, अगर इंट्राडे में हम ब्रेक करते हैं तो जो आज का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसी रेंज के बीच में हमने ट्रेड किया, मान लीजिए इसी रेंज के बीच में हम ट्रेड करते रहे, यहाँ पर कुछ टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद अगर हमने हाई को ब्रेक किया तो हमारा मूव कहां पर हो सकता है, 15 मिनट के चार्ट पर रेजिस्टेंस आपको कहां मिलेगा, 24,555। अगर इस लेवल को निकालते हैं तो 24,622, फिर उसके बाद 24,688 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होंगे 15 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि मैंने बताया ये 15 मिनट के चार्ट पे भी है और डेली चार्ट पे तो ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा डेली चार्ट में इसके ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी को और स्ट्रांग करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी रेंज के बीच में अगर हमने ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद ये लेवल ब्रेक किया तो नीचे की साइड में कई सारे आपको सपोर्ट छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जब भी इस लेवल के आसपास आएगा शायद यहाँ पे आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, बायर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इस लेवल के नीचे ही सेलर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे निफ्टी को, ये ध्यान रखिएगा। अगर डेली चार्ट पे हमारा 555 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे भी फिर बायर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया इस लेवल के ऊपर, मार्केट कहीं पर गैप अप ओपन हुआ तो फिर आज के जैसा ही वेट कीजिएगा, जैसे आज यहाँ पे ओपन हुआ 355 के ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया, उसके बाद ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करके हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट कवरिंग मूव आई और मार्केट ऊपर की साइड में निकला। उसी तरह से मान लीजिए अगर गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन होने के बाद आज की क्लोजिंग के पास कहीं पर आके मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद वापस ब्रेक करे तो ये समझिएगा फिर क्या करेगा मार्केट 24,555 और उसके बाद जो हमने ये रेजिस्टेंस दिए हैं उस रेजिस्टेंस के पास तक जा सकता है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बहुत बड़ा गैप डाउन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे बायर वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए तो शायद वो लोग अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ इस जगह पे पास आके निफ्टी क्या ट्रेड करता है, अगर आया तब की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत स्ट्रांग है इस जोन में, अगर कहीं पे ओपन होता है और टाइम बिताता है, जितना ज़्यादा टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा उतना कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि हाँ ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट टिक सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।